वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा प्रकाश हो जाएगा जब आप हमारे को सब्सक्राइब कर डालेंगे। हमारे साथ आशीर्वाद है जो हम लाइक धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई लव चंडीगढ़ गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग वी आर सो इम्प्रेस्ड विद द नेचर ऑफ दैट चंडीगढ़ गाइस। ओ सर सर सर, आप यहाँ पर आए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितनी बार धन्यवाद बोलूंगे मेरे भाई, अभी तो कंटेंट शुरू हुआ है, छोड़ के मत जाइए, एंजॉय कीजिए, तभी तो आएगा मजा। हाँ मेरे भाई, यही तो है डैड चंडीगढ़, सारी चीजें एकदम से पलटी हो जाता है। जैसे आपकी जिंदगी हम कर देंगे, कैसे देखते जाइए आगे। हाँ, और यहाँ पे होगी एंट्री और दिखाते हैं बाकी अंदर आपको जाके क्या कुछ एम्बियंस वगैरह यहाँ पे। तो अभी हमने जैसे ही एंटर किया तो आपका ब्यूटीफुल एम्बियंस के थ्रू यहाँ पे चंडीगढ़ के फोटोग्राफर तो हरी भरी चीज़ें तो दिखाएंगे ना भैया, हैं तो ये वाली चीज़ है। और यहाँ से अभी जाना हमने राइट जाना है, राइट मुड़ के फिर लेफ्ट मुड़ना है। सो ये है बेसिकली। और ये होटल वोटल सही लग रहा है मेरे को। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से दो तीन होंगी यहाँ पे शादियाँ। सो राइट लेके लेफ्ट कहा है उन्होंने, डन सर, थैंक यू। चेक बताया गया हमारे को लेफ्ट। ओके, सो ये क्या लिखा है, हैशटैग फॉर लाइफ समथिंग, क्या लिखा है, कवि फॉर लाइफ, KAVI, कवि फॉर लाइफ। ओके, सो यहाँ पे आपका एंट्रेंस हो गया है। ओके, सो यहाँ पे मेरे ख्याल से वैलेट पार्किंग रहेगा, बट हमारे पास तो हमारा सामान है, सामान है अपना ना। सो ये मेन एंट्री है, वेरी ब्यूटीफुल एम्बियंस। एंड चलो यहाँ पे पार्किंग में लगा देते गाड़ी, और सही लग रहा है ना, सही है ना यार, बनाओ मास्टर, दिखाएंगे आपको। ब्यूटीफुल ब्राइड फॉर टुडे। एंड यहाँ पे उनकी थोड़ी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम फोटो शूट करने के लिए आ गए हैं, आगे पंडित जी, हम आ गए अपने कैमरे के साथ, भाई जी अपने को पूरा हेल्प सपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल, क्या कहते हैं इसको, अरे ऐसा प्रकाश हो जाएगा जब आप हमारे को सब्सक्राइब कर डालेंगे। फोटो शूट चालू हो गया मैम का। हाँ जी, हाँ जी, कैमरे के लिए मैम। ओके, हम यहाँ पे बना रहे हैं, अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर वीडियो भी हम थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेंगे फटाफट। यहाँ पे अभी सीटिंग वाला हम ले रहे हैं फोटो, वो फादर साहब हैं ब्राइड के, एंड वो मदर हैं ब्राइड के, एंड सर हमारे को पहचानते हैं फ्रॉम आवर व्लॉग्स। सर को हमारे व्लॉग्स अच्छे लगे, सर को हमारे व्लॉग्स अच्छे लगे मैडम। हमने व्लॉग में ले लिया है, तो सर को हमारे ब्लॉग जो वो बेहतरीन लगे थे, लाजवाब लगे थे, आउट ऑफ वर्ल्ड लगे थे। और इन सब का ही हमारे साथ आशीर्वाद है जो हम लाइक धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पायदान है, नए नए पायदान पे हम चढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आई जस्ट वांट टू ऐड, जी सर, आई लव चंडीगढ़ गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। हे पीपल रे द चंडीगढ़। एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का दिन बेहतरीन है आपकी जिंदगी में, और इतनी प्यारी ब्राइड है यहाँ पे, देखिए कितनी प्यारी ब्राइड है। भावुक पल यहाँ पर अभी चल रहे हैं, मैम के आंखों में थोड़ा थोड़ा लाइक आ गया है, नमी आ गई है, बट खुशी भी है, खुशी का माहौल बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 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 ये पहले ही मिल ली है, ये पहले ही मिल ली है। हम फोटो ले रहे हैं अब तो, अरे अब तो स्माइल आ रही है, अब तो आखिरी फोटो होने वाली है, इस करके अब मैम की स्माइल आनी है। एक्चुअली ड्रेस काफी हैवी होती है, तो इसमें ब्राइड को थोड़ा इशू होता है, जो फोटोज वगैरह हम जिस तरह करवाते हैं। यस मैम, नेक्स्ट ब्लॉग। Bye.
यहाँ पे लड़की का परिवार है और ये हैशटैग कवि फॉर लाइफ और बारात है वहाँ पर और ये ब्यूटीफुल एम्बियंस, ब्यूटीफुल लाइटें और बेहतरीन एनवायरनमेंट। मैं बात करूँ हो गए हैं 12:20 एंड मैडम भी आ गए हैं जो कि खा रहे हैं। इनके ब्रदर ने कुछ नहीं खाया, ये निपटा रहे हैं। ये देखो क्या निपटा, मेरा पहला बाइट। नहीं, इससे पहले वो 5 प्लेटें जो रखी हैं खाली, वो कहाँ गई? सरासर झूठ है ये। झूठ नहीं है, झूठ नहीं, झूठ के पैर नहीं होते। देखो मेरे पैर हैं, झूठ के पैर नहीं होते। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो इस बात से अच्छा। तो इसके बारे में डिस्कशन चल रही है ज्योतियाँ। हाँ अपने पास रख लेना, अपने पास संभाली जा चुकी है जूतियाँ। अब ले लो जूतियाँ लेने के लिए आए थे। अच्छा लड़के वाले साइड गया। अच्छा अच्छा ये भी जूते बचाने के लिए आए थे। अच्छा सारे सारे जूते जूते बचाने के लिए घूम रहे हैं लड़के। मैम आप जू लड़के वालों की साइड हो, लड़की वाले की साइड हो? लड़के वालों की तरफ हो, पर मुझे पैसे नहीं देना। मेरे भाई ये पैसे क्यों दूँ मैं? पूरी बात नहीं सुनी आपने उनको। मैं भी जूते की बात करने, इनको लग रहा है कि मैं भी लड़के वालों की तरफ। हम लड़के वालों की तरफ से ही तो हैं, बट हमें एक जूते क्यों? मैम आप भाई के पैसे वेस्ट होने दो। अरे बट ले तो वहाँ से। अरे भाई साहब ये बोल रहे हैं अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर से वापस नीचे। वो कह रहे हैं अपने को भी नहीं मिलने और उनको। वो फोटोग्राफर लेके चले जाएंगे। सब गोल गोभी हो रहे हैं, गोल गोभी। तो सर हमारे साथ दोबारा से आ गए हैं, तो सर कुछ कहना चाहते हैं? वी आर सो इम्प्रेस्ड विद द नेचर ऑफ दैट चंडीगढ़ गाय। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई प्रे दैट सब्सक्राइबर्स इंक्रीज डे बाय डे। थैंक यू सर। इट्स क्रॉसेस 10 मिलियंस इन ए मंथ। सो स्वीट ऑफ यू सर, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। दैट इज माय प्रे फॉर दैट चंडीगढ़ गाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सर आप सब लोग का प्यार ही है जो मतलब अभी है ना। ये क्या है, जिसका दिल इतना साफ होता है ना, वो तभी दूसरे दिल इंसान के बारे में ऐसे सोच पाता है। अगर किसी के दिल में ऐसा कोई भी खोट हो तो वो दूसरे अच्छा भी होता तो वो भी उसको अच्छा नहीं देखेगा। तो वो चीज़ है बेसिकली उसके अंदर। एंड ये हमारे साले साहब ने कैमरा, ये साले साहब ने पकड़ा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब कैमरे से कैमरा टकराए तो ब्लॉग निकल गया है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। लाड़े साहब हो गए हैं पूरे रेडी जबरदस्त तरीके से एकदम। मैम आ गए हैं बिल्कुल सामने, दिलों की धड़कन हो गई तेज। और ये अब बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा तेज। और अभी वरमाला होंगी यहाँ पर। सो फाइनली दूल्हा दुल्हन आ गए हैं यहाँ पर और पूरा नीचे फैमिली फ्रेंड्स के बीच में आ चुके हैं यहाँ पे। फाइनली दिस ब्यूटीफुल कपल्स आर ऑन द वे टू गेट मैरिड वेरी सून। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू दिस ब्यूटीफुल कपल। इमोशनल पल है यहाँ पे ब्राइड के फादर साहब। दीज आर सम थिंग्स जो कि शायद एक पिता ही समझ सकता है जिसकी विदा होने वाली बेटी। भैया भैया थोड़ा सेंटर लो, सेंटर सेंटर लो थोड़ा। मैं बात करूं तो बजने वाले 1:30 मिनट रह गए हैं। अब सीधा जाएंगे हम, खाना खाएंगे, हाथ मुंह धोने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद खाना निपटा डालेंगे फटाफट। यहाँ पर है ब्यूटीफुल मिरर, सो इसका पूरा तरीके से किया जा रहा है इस्तेमाल। और बालों की बात करें तो भैया बाल हो गए मस्त, एकदम मस्त, जबरदस्त। ठीक है, चटक गई है कमर, मटक गई है। अब बस खाना खाने के लिए पंडित जी को भेजा और यहाँ पे हमारे कुछ गैजेट्स रखे तो इसको हम यहाँ पे सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। उसके बाद देखते हैं, दाल रोटी खाएंगे, निपटाएंगे और फिर पंडित जी चले जाएंगे सोने के लिए। और मैं करूँगा फिर कैंडिड और सिनेमैटिक दोनों, क्योंकि ड्राइव उन्होंने ही करनी है।
खा रहे हैं, कितना खाएंगे। हो गई है कंप्लीट और कपल गए हैं अभी खाना खाने के लिए। टाइम की बात करूँ तो हो गए 2:05। पंडित जी गए हैं सोने के लिए बिकॉज उन्होंने करनी ड्राइविंग, और हम जा रहे हैं डाटा कॉपी करने के लिए। डाटा मतलब लैपटॉप ले लिया है, इसके अंदर डाटा भी ले लेंगे टीम से और वो कॉपी कर लेंगे। उसमें भी टाइम लगेगा इतना, वो भी डिनर वगैरह कर लेंगे। हमने तो खैर कर ही लिया डिनर बाहर। अगर मैं बात करूँ तो मौसम ठीक है, बट अंदर जैसे ही हम जाते तो एसी का चल रहा है भैया पूरा दबा के, तो यहाँ पे लग रही है हल्की हल्की ठंड। तो कोना पकड़ लेते हैं कोई और डाटा ले लेते हैं, कॉपी फिर लगा देते हैं। फिर ये अभी लास्ट शूट करने, उसके बाद फिर ये मंडप पे पहुँचा देंगे और हम यहाँ पे कर रहे हैं डाटा कॉपी। ये लगी है डेट। टाइम की बात करूँ तो हो गए हैं 2:30 बज गए। नींद आने लगी, अब नींद आ रही है भैया। इनकी अगर बात करें तो हो गए हैं 2:45, और जो फैमिली वाले हैं वो लेके आ गए थे ब्राइड को सीधा मंडप पर। तो खाना खाते वो भी पोर्ट्रेट्स नहीं हुए, और हम यहाँ पे कॉफ़ी कर रहे हैं डाटा। टाइम बड़ा लगा रहा है। तो कन्यादान का जो कार्यक्रम है वो अभी संपूर्ण होता जा रहा है। हम एक्चुअली वहाँ बैठे थे, वहाँ बहुत पीछे मच्छर बहुत ज़्यादा भैया। एक तो स्क्रीन शायद चला रखी थी, दूसरा ये रेड डार्क जल आ रहा हुआ है, तो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे मच्छर। तो हम बैठ गए यहाँ पे कॉर्नर में आके। यहाँ पीछे घास फूस नहीं है कोई, वहाँ घास फूस है, घास फूस। कपल और होने लग गई है इनके फेरों की शुरुआत। जल्दी ही फेरे भी हो जाएंगे और शादी हो जाएगी संपूर्ण। टाइम हो गया 3:20 और अभी चल रहे हैं ये भाई लोग भी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया था एनवायरनमेंट, एम्बियंस बहुत प्यारा था, मज़ा आ गया, लोग भी बहुत प्यारे थे, खाना भी A1 था, सब कुछ मस्त था। बस कुछ चीज़ है जो रह गई है, वो है यहाँ का दिल। ये जगह दिल ले गई है भैया। जो यहाँ पे लोग थे वो भी बहुत, और स्पेशल वो अंकल, इट्स नॉट लाइक के उन्होंने मेरे लिए कुछ बोला तो इस करके नहीं, वो एक्चुअली एक वाइब होता है, अगर वो वाइब कनेक्ट कर जाए ना तो बस वही एक चीज़ मैटर करती है। बाकी वो बोलते नहीं बोलते वो एक अलग चीज़ थी। उन्होंने बोला, इट वॉज़ सो नाइस ऑफ हिम, अच्छा लगा, दिल को सुकून मिलता है ऐसी चीज़ें अगर सुनने को मिल जाए आपको। क्या आपने कभी ऐसे बोल के देखा है? बोल के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद को भी लगेगा और जिस बंदे को बोलोगे उसको भी अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे, अरे पंडित जी कहाँ? अच्छा ये रहे, सो रहे हैं क्या? हाँ सो रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या क्या सीन पानी है। इन्होंने बैग तो आगे रख दिया, पीछे लेट गए यहाँ पे। अरे देखते हैं क्या, हाँ वो दिखाना मैं भूल गया भैया, स्कॉर्पियो घातक लग रही है काले रंग में, मस्त। अनिटे शर्मा जी गाड़ी में, ये भी रेस्ट कर रहे हैं और टीम लगी है वहाँ पर, दिखाएं क्या। ये शर्मा जी लेटे हैं, उधर है अपनी नीलिमा। चलो चलो चलो, क्या करें, उठाएं ना उठाएं, उठा देते हैं, हम भी थोड़ा लेट जाएंगे, मतलब यहीं पे आके लेट जाएंगे, वो पीछे लेटे रहेंगे। कि अगर मैं बात करूँ तो हो गए हैं 5:20, मतलब 5:45 ऊपर, और इन्होंने अभी गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी ये जाने जा रहे हैं और यहाँ से निकलने वाले हैं और फिर होने वाले यहाँ से, अभी ये गाड़ी स्टार्ट करेंगे। इनको जैसे इंजन गर्म हो चुका, अभी इनको दाब लगा पेट पे, सीधे जाते ही सीधे वहाँ पर जाके एकदम ठर करके सर खत्म कर देंगे। इनकी भी नींद पूरी हो चुकी है, हो गई ना, मेरे को नींद का, मैं 5 मिनट भी सोया। अरे हाँ 1 घंटा सो गए हैं, हाँ नींद, इनको तो नींद आती ही नहीं है, ये तो नौजवान पीढ़ी है। गाड़ी ध्यान से चलाओ, आपका चलान का चलान, ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है। अगर 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 ये अगर ये इस टाइप से पीछे जा रहे हैं हमारे साथ शर्मा जी, दीपू जी और अपनी गाड़ी में जाओ। अच्छा वो तो वो बोला वर्ड तो बोलो एक बार, ओके एयरपोर्ट, नहीं नहीं वो नहीं, वो मुजस्मा,
मुजस्मा वाला, ये मुजस्मा किसने बनाया? अरे बस 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 डायलॉग में हिलने लग गया, हिलने लग गया। यहाँ एक मोर की आवाज आ रही है अभी यहाँ इस पेड़ के पीछे कहीं से। उन्होंने लाइट ही बंद कर, ओह भैया बारिश आएगी, देखा आपने बिजली कट गया अभी। अच्छा सो ये बारिश की वजह से, अच्छा मोर तभी बोल रहा भैया बारिश आने वाली है। ओके सो ये इन्होंने लाइट भी बंद कर दी। उन्होंने क्या कहा, भागो तुम, भागो भागो, अभी ये चलेगा ये। अब ये पता नहीं जागे नहीं जागे, हाँ जाग तो गए हैं। अच्छा ये आगे शिफ्टिंग कर रहे हैं अपनी, अपना जो शरीर है वो आगे की तरफ शिफ्टिंग कर रहे हैं। भागो भैया भागो, उससे आ गए। अभी यहाँ से चलते हैं सीधा वॉशरूम में मुँह मत धो के, फिर यहाँ से चलते हैं सीधा। और इस के बारे में बात कर रहा था, बहुत सही लग रही है वाली ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ओल्ड मॉडल। ओके सो अभी क्या चीज़ है, हाँ सो एक्चुअली दो चीज़ें हैं जो ये, जिस तरह अभी एक्चुअली थोड़ा वो ट्रैवल कर लेते हैं वहाँ पर, तो चलते चलते मैं क्या बात कर लेते, टाइम पास हो जाएगा। सो बेसिकली क्या दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें क्या है, जिस तरह शादी होती है तो शादी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो परिवार होते हैं, उसमें से एक परिवार थोड़ा सा लाइक ज़्यादा खुश रहता है और एक थोड़ा सा कम खुश रहता है। कम खुश क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या है, जब मैरिज होती है सो एक परिवार के घर में एक नया सदस्य जाता है, एक सदस्य उस परिवार के अंदर से जिसने उसको पाला होता है। सो जो पाला होता है, जिस तरह वो हमने देखा अंकल की आंखें थोड़ी नम हो गई थी उस टाइम, तो वो हमने कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया। और बट दूसरी जगह पे ही वहीं पे कहीं ना कहीं खुशी बहुत होती है। उस टाइम तो खैर हम सो रहे थे, तो मैं एक्चुअली लाइट देख रहा था कहाँ पे क्या कुछ है। इट इज़ नॉट ईजी कि मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि अपने कलेजा का वो टुकड़ा ही होता है वो, तो उसको ऐसे मतलब जाने देना। वैसे तो देखो कहते हैं कि पास में ही है, अभी यहाँ पे अंधेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो कहते हैं ना कि पास में ही होते हैं वो सारी चीज़ें, बट जब मन किया तब पहुँच गए वहाँ पे। बट इजी नहीं होता यार ये वही सारी चीज़ करना भैया, बिल्कुल अंधेरा कर रखा है इन्होंने। देखते हैं यहाँ पे, अगर ही लॉक कर दिया भैया, ले लो गोल गोभी हो गए, पंडित जी भी आ गए हैं, चलो बाहर ही जाते हैं। अरे ये कहाँ ले गए, अरे गोल गोभी ये भी हो गए क्या, इस नींद नींद में ले गए, इनको बोला था यहाँ पे। अच्छा शायद उस साइड वाला वो खुला मिलेगा। सो वही है देखो, यहीं से वो आए थे एक कुछ समय पहले, कुछ पहर पहले लगा सो, यहीं से बारात वगैरह आई, सारी चीज़ें हुई और अब देखो बिल्कुल सुनसान खाली। तो एक्चुअली क्या होता ना, चीज़ें वही रहती हैं, समय थोड़ा सा फेरबदल होता है और जो लोग हैं वो थोड़े से हल्के होते होते हैं। कभी कितना यहाँ पे शोर शराबा था और कभी बिल्कुल एकदम शांत है, एकदम शांत। सो इट्स ऑल बिकॉज जो ह्यूमंस होते हैं वो वहाँ पे कितनी देर हैं कितनी देर नहीं बहुत मैटर करता है। सो जो है जब है उसको इन्जॉय करो टू द फुलेस्ट, बस यही है। बाकी अब पहुँच ही गए हैं, पंडित जी गायब भी हो गए भैया, गाड़ी लेके गोल गोभी हो गए हैं, वो कहीं चंडीगढ़ तो नहीं चले गए। चलो यहाँ पे अब एक्चुअली वही देख रहे हैं वो कहाँ पर गए हैं, वो गायब भी हो गए भैया। अरे पंडित हो रहे वहाँ पे। चलो अभी यहाँ पे चलते हैं, हम अपना देख लेते हैं यहाँ पे वॉशरूम वगैरह, मुँह मत हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम भी यहाँ से तीतर हो जाएंगे फटाफट, क्योंकि ट्रैवल बहुत है, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 आवर्स का ट्रैवल है। और वो ट्रैवल करने के लिए थोड़ा एनर्जी वगैरह अपने को चाहिए था, तो वो एनर्जी आ गई है और अब बस यहाँ से सीधा चलेंगे मुँह मत धो लेके। चलो लुक
नहीं नहीं नवविवाहित जोड़े से मिलवा दें आपको। कैसी तबीयत है आपकी, कैसे फील कर रहे हैं इतने भारी भरकम सूट बूट में? एग्जॉस्टेड ना, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है मैम। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अभी मिलते हैं दोबारा से जल्दी, स्टे ट्यून्ड विद अस। आपके अरे बिना आपकी कैसे विदाई करवाए कैसे जा सकते हैं मैडम की, सॉरी। तो अब लेके आएंगे मैडम को घर पे फिर दोबारा से। अब बस अभी निकल रहे हैं, मतलब आई नो मैं थोड़ा बातूनी टाइप का हूँ ना, वैसे निकल रहे हैं अभी। ठीक है, ओके ओके। ओ सर सर सर, ओ थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क। नहीं सर, ये टास्क एक ऐसा है कि ये टास्क सारी जिंदगी आप कंप्लीट नहीं फॉर टुडे एंड टुनाइट। ये तो सिर्फ हमने जो कंप्लीट किया है वो सिर्फ ये किया है कि यहाँ पे जो होटल वाले थे, होटल वालों का साथ था, बस वो यहीं तक हुआ। बाकी ये एक नया नव वो कहते हैं ना, नया बंधन जुड़ गया है, और ये बंधन एक अलग बंधन है, अलग ही इसमें सात जन्मों का बंधन, सात जन्मों का बंधन आप लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अब ये अंकल हैं, इनके बारे में लाइक हम बात कर रहे थे, और पंडित जी का भी फोन आ गया, सो मेरे ख्याल से वो पंडित जी हैं, कर लेते हैं उनसे भी बात है। बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, यहाँ से निकल के सीधा जा रहा है आपके पास, करें सब्सक्राइब।